नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन भर की सारी अहम खबरें। पहाड़ों पर हुई तेज बारिश से हल्द्वानी का कलसिया नाला उफान पर है। सैलाब इस कदर है कि आधी रात को नाले के किनारे बसे लोगों के घरों में मलबा और पानी भर आया। इस दौरान लोगों का सारा सामान पानी और मलबे की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नाले के आसपास रहने वाले लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस भयंकर मंजर को देखकर लोग खौफ में हैं। लोगों का कहना है कि 29 साल में कलसिया नाले का ऐसा भयानक रूप उन्होंने कभी नहीं देखा। मानसून की झमाझम बारिश से हल्द्वानी का देवखड़ी नाला भी उफान पर है। देर रात नाले के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया। सूचना मिलने पर प्रशासन ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक बाइक सवार का कोई पता नहीं चल पाया है। तेज बारिश और उफनते नाले को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। बीआरओ के प्रयास से इस काम में थोड़ी सफलता भी मिली है। पैदल यात्रियों के बाद शुक्रवार को दोपहिया वाहन के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। एसडीआरएफ की टीम ने पैदल और बाइक सवार यात्रियों को सुरक्षित आगे बढ़ाया। वहीं मार्ग पर अभी भी फंसे हुए यात्रियों तक प्रशासन लगातार मदद पहुंचा रहा है। ऐसे यात्रियों को खाना पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई को लैंडस्लाइड होने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद मार्ग पर करीब 3000 यात्री फंस गए थे। चमोली के जिला अधिकारी हिमांशु खुराना ने जानकारी दी है कि जोशीमठ के पास लैंडस्लाइड से बंद बद्रीनाथ हाईवे को बहुत जल्द हल्के वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। डीएम खुराना ने बताया कि वो लगातार बीआरओ की टीम से संपर्क में हैं और स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि पैदल यात्रियों के लिए मार्ग पहले ही खोला जा चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की सहायता से फंसे यात्रियों को सड़क पार कराया जा रहा है। जिला प्रशासन स्वयं सेवी संस्थानों की मदद से फंसे यात्रियों तक खाने पीने की सामान पहुँचा रहे हैं। बद्रीनाथ में जोशीमठ से पहले 9 तारीख को एक भारी रॉकफॉल होने के कारण जो सड़क मार्ग बाधित हो गया था, तब से 24/7 जो बीआरओ की टीम है वो उसको क्लियर करने में लगी हुई है। परंतु जो बॉर्डर का साइज था बहुत बड़ा था, तो उसको हटाने में और उसको रिमूव करने में बहुत कठिन प्रयास के बाद भी जो रोड है वो नहीं खुल पाई है। उसको देखते हुए जो रोड के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए थे, जोशीमठ में भी और हेलंग वाली साइड पर, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा सभी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके सहयोग से कुछ हमने राशन की किट्स दिए हैं उनको इटेबल, साथ ही साथ जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं थी उनकी रहने की व्यवस्था की गई है। फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। बीआरओ द्वारा जो सूचना दी गई है उसके अनुसार आज शाम तक रोड लाइट व्हीकल्स के लिए सुचारू होने की संभावना है, तो उसके क्रम में रोड है जो वो ओपन होने का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक खुले। लैंडस्लाइड से बंद बद्रीनाथ हाईवे 3 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी तरह नहीं खोला जा सका है। इससे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जोशीमठ में फंसे यात्रियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। यात्रियों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से 2 दिनों तक किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की गई। जोशीमठ में फंसे यात्रियों को खाना पानी का सामान भी 2 दिन बाद बांटा गया। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कुमाऊं गढ़वाल मंडल में बाढ़ और लैंडस्लाइड को लेकर धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे पर 3 दिनों से यात्री फंसे हुए हैं। यात्रियों को भूख प्यास समेत कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन सरकार के अधिकारी और मंत्री मौके से नदारद हैं। मुझे लगता है इनका आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से फेल है और सड़कें बंद पड़ी हैं, मंत्री गायब हैं। इनके जिन जिन क्षेत्रों के अंदर फ्लैश फ्लड आए हैं वहां मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रशासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में शुरू होने जा रही कावड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम धामी ने बताया कि कांवड़ियों को कांवड़ मेले के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए बैठक में रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही सड़क, पेयजल, सीवर और बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान वाटर एम्बुलेंस चलाई जाएगी, जिससे आपात स्थिति में बिना जाम में फंसे मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। एक सामान्य व्यक्ति जो कांवड़ लेने आता है
उसको किस प्रकार की तकलीफ होती है, किस प्रकार की उसके सामने परेशानी खड़ी होती है, उसकी यात्रा कैसे अच्छी से अच्छी हो, अपने अनुभव के आधार पर नहीं कह सकता हूँ, अच्छी यात्रा हो, सरल यात्रा हो, उसी यात्रा के लिए। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने गेस्ट हाउस की आड़ में चल रही जिस्म फरोशी के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। पिरान कलियार पुलिस को कई दिनों से देह व्यापार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद रुड़की के एसपी देहात और सीओ के नेतृत्व में बनी टीम ने छापेमारी की और रहमत सावरी गेस्ट हाउस पर छापा मारा। इस दौरान वहां से 11 युवक और 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने देह व्यापार करने वाले गिरोह के सरगना मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और थाना कलियर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में रहमत साबरी गेस्ट हाउस सोहलपुर रोड कलियर में छापेमारी की कार्रवाई की गई और वहां से अनैतिक व्यापार में संलिप्त 11 पुरुषों और 8 महिलाओं, कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गेस्ट हाउस संचालक मुस्तफ़ा निवासी कलियर और मैनेजर आदिल निवासी पहाड़गंज दिल्ली को मुख्य अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध अंतर्गत धारा 3, 4, 5, 6, 7 ITP एक्ट, 17/18 पोक्सो एक्ट और 144 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और सभी का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। UCC लागू करने से पहले धामी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है। सरकार का मानना है कि इस रिपोर्ट से आम लोग UCC कानून का महत्व आसानी से समझ सकेंगे। इस मौके पर नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में UCC की नींव रखने से पहले भारत के वैदिक काल से लेकर संविधान सभा के गठन तक गहन रिसर्च की गई। रानीखेत में वन विभाग ने चेकिंग के दौरान लीसे की बड़ी खेप बरामद की। वन विभाग ने एक पिकअप गाड़ी में 101 टन की डिब्बों में अवैध लीसा बरामद की। वहीं चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। दरअसल इन दिनों अवैध तरीके से चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद वन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि चीड़ के पेड़ से निकलने वाला लीसा राजस्व का एक बड़ा जरिया है। लीसा का उपयोग तारपीन का तेल बनाने समेत कई चीजों में किया जाता है। हाथरस कांड के बाद फर्जी बाबाओं को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने बताया कि 18 जुलाई को प्रयागराज में एक बैठक होने जा रही है, जिसमें मेला प्रशासन को फर्जी बाबाओं की लिस्ट सौंपी जाएगी। इस लिस्ट में कई ऐसे फर्जी बाबाओं के नाम हैं जो आडंबर और पाखंड के जरिए समाज में गलत संदेश देते हैं और लोगों को गुमराह कर धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। महेंद्र रविंद्र पुरी ने बताया कि सभी अखाड़े मिलकर ऐसे फर्जी बाबाओं के खिलाफ विरोध करेंगे, साथ ही मेला प्रशासन से मांग करेंगे कि इन फर्जी बाबाओं को कुंभ मेले में जगह नहीं दी जाए। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।